इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सराफा बाजार से, जहां सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष के प्रतिष्ठानों पर एसजीएसटी विभाग ने छापेमारी करी है। सीजीएसटी ने आगरा सराफा बाजार में छापा मारा। आपको बता दें कि सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल के प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्यवाही की गई है। छापे में दर्जनों अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। आपको बता दें एक बार फिर से कि सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष के प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्यवाही की गई। सीजीएसटी विभाग ने आगरा सराफा बाजार में छापा मारा। नितेश अग्रवाल सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिनके प्रतिष्ठानों पर सीजीएसटी विभाग ने छापेमारी की। आपको बता दें कि किनारी बाजार में चांदी का कारोबार करते हैं नितेश अग्रवाल। छापे में दर्जनों अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। आपको बता दें कि छापेमारी के बाद सराफा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं संवाददाता विनोद जूनियर से। विनोद, जैसा कि सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष के प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्यवाही की गई है, तो क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, विभाग को काफी समय से विभाग छानबीन करता है, उसके बाद जो है विभाग किसी भी प्रतिष्ठान पर छापेमार कार्रवाई करता है जी। विभाग पूरा लेखा जोखा इकट्ठा कर लेता है और लेखा जोखा के बारे में अलाधिकारियों को जानकारी दी जाती है, अलाधिकारी परमिट करते हैं, उसके बाद टीम जाती है जी। तो कई बार देखा गया है कि रसीद काटते हैं लेकिन उसका बिल पक्का नहीं देते हैं जी। ठीक है, करा वंचना का सब ये लोग फायदा उठाते हैं, मतलब गड़बड़ी करते हैं बिल में, गड़बड़ी करते हैं। अब इस बिल में जब भी गड़बड़ी होती है तो उससे सरकार के राजस्व को जो है पलीता लगता है, सरकार का राजस्व कम होता है। लेकिन अधिकतर ऐसे व्यापारी जो है यही करते हैं कि वो जो है कच्चा बिल काट कर दे देते हैं और माल का आदान प्रदान करते हैं, उसके बाद अपना लेखा जो था बाद में तैयार करते हैं, फिर उसके बाद तो वो जीएसटी रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं जी। लेकिन यहाँ पे चूंकि त्योहारी सीजन है और विभाग को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, 1500 करोड़ से ज्यादा केस का टारगेट होता है, तो विभाग को भी जिम्मेदारी के तहत जो इस तरह की रूटीन कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन रूटीन कार्रवाई उसी के यहाँ होती है। नितेश अग्रवाल सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, वे एक बड़े व्यापारी हैं, करोड़ रुपए का उनका सालाना टर्नओवर भी है, नामचीन व्यक्ति हैं। उनके प्रतिष्ठान पर टीम पहुंची और वहां पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। ये एंटी एविजन की टीम होती है, जो इन्वेस्टिगेशन की टीम होती है सेंट्रल जीएसटी की, वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसमें दर्जन वर्ष से ज्यादा अधिक अधिकारी है, जिसमें इंस्पेक्टर, सुपरिंटेंडेंट और कर्मचारी भी मौजूद है, साथ में पुलिस भी मौजूद रहती है ताकि किसी तरह कोई घटना ना हो, इसलिए फोर्स लेकर के विभागीय अधिकारी चलते हैं। विभाग को उम्मीद है कि करोड़ों रुपए का राजस्व यहां से मिलेगा छानबीन के बाद, अभी तो कार्रवाई जारी है जी। जी विनोद, जैसा कि कब तक इस कार्यवाही के जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है, कब तक कार्रवाई ऐसे जारी रहने की कोई समय सीमा तय नहीं है, क्योंकि अधिकारी को जैसे कागजात मिलते हैं, जैसे डिटेल मिलती है, अधिकारी उस पर कार्रवाई करता है। अब इनके तमाम कंप्यूटर है, तमाम लेखा जोखा जो दस्ते हैं उसको अधिकारी सीज करेंगे। अगर सही जगह सही तरीके से पूछताछ से जवाब दे दिया तो फिर उनको यहीं पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर उनको जो है अपने सामान वो ले जाते हैं विभाग में, उसकी छानबीन होती है, इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं। लेकिन जो अगर इन्होंने कहीं गड़बड़ी अगर की होगी, विभाग को सूचना मिली है, तो इससे करोड़ रुपए का राजस्व यानी कि टैक्स पेनल्टी लगा करके इनकी लायबिलिटी बनेगी, उसके बाद सरकार उसको जो विभाग जमा कराएगा। कार्रवाई हो सकता है कि देर रात तक चले, हो सकता है 2 घंटे में खत्म हो जाए, या हो सकता है कल सुबह तक भी जारी रहे, ये डिपेंड करता है उनके जवाबदेही पर। जो सवाल जवाब अधिकारी करेंगे वहाँ पर, जैसे जैसे बताएंगे उसी के अनुसार अधिकारी अपना काम करते हैं। बहरहाल अभी वहाँ पर छापेमारी चल रही है और आसपास के दुकानदारों की इस बात को लेकर हड़कंप है, क्योंकि इसमें त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, सितंबर माह से त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है, कभी गणेश चतुर्थी है, कभी रक्षाबंधन है, कभी अब दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है, ऐसे में खरीदारी भी लोग काफी ज्यादा करते हैं। तो अभी पूर्व में भी ये देखा गया था कि फतेहाबाद रोड पर जो है चांदी व्यवसायियों ने प्रदर्शनी लगाई थी, तो उसमें भी हो सकता है अधिकारियों को सूचना मिली हो और इन्हीं के देख रेख में, इन्हीं की अगुवाई में प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसमें जो एग्जीबिशन था उसमें तमाम लोगों ने खरीदारी की थी, हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ तंत्र को सूचना मिली हो अधिकारियों को, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है जी।
जी विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समस्त जानकारी के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष के प्रतिष्ठानों पर सीजीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि नितेश अग्रवाल सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिनका किनारी बाजार में चांदी का कारोबार है। यह कारोबार पर अभी प्रतिष्ठानों पर, नितेश अग्रवाल के प्रतिष्ठानों पर लगातार कार्यवाही जारी है और आगे भी बरकरार रहेगी जब तक कुछ निर्णय नहीं निकल आता या कुछ सबूत इकट्ठे नहीं हो जाते, क्योंकि सीजीएसटी विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जालसाजी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सीजीएसटी विभाग ने सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की।